नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्वाति। आज आपके सामने पेश हुए हैं एक खास रिपोर्ट लेकर, जिसमें दिखाएंगे कि अन्नदाता एक एक पैसे के लिए कैसे मोहताज हैं और क्या चाहते हैं। विकास के नाम पर जिले के नेता किस तरह का खेल कर रहे हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। जहाँ नेताओं की जमीनें हैं, वहीं जरूरत उत्पन्न की जाती है और क्षेत्र के विकास के नाम पर अपना विकास किया जा रहा है। ऐसा ही मामला सामने आया है रीवा के चौराहटा स्थित हवाई पट्टी में, जहां हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विस्तार करने के लिए 2016 से किसानों की कृषि भूमि में बिक्री नामांतरण पर रोक लगा दी गई है। अब यहां के किसान अपनी ही जमीन को ना तो बिक्री कर पा रहे हैं, ना ही उसका कोई उपयोग, जिसके चलते लंबे समय से किसान जिस भूमि की आवश्यकता नहीं है उससे प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन नेताओं के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। अफसोस की बात यह है कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी जिले के सभी गांव को आज तक पहुंच मार्ग नहीं मिल पाया। आज भी हवाई पट्टी के बगल से कई किलोमीटर की रास्ता तय करने के लिए लोग कीचड़ भरे रास्तों से निकलने के लिए मजबूर हैं। किसानों की भूमि आवश्यकता से ज्यादा अधिग्रहण कर ली गई, जिसके चलते ना तो वह अपनी बेटियों की शादी और ना ही किसी प्रकार के रोजगार के लिए जमीन बंधक बना सकते, ना ही जमीनों का नामांतरण हो पा रहा है। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने किसी तरह से पूंजी जोड़कर अपने घरौंदे तैयार किए थे, उनको भी अब उजाड़ने की तैयारी चल रही है। इस क्षेत्र के जो प्रभावित गांव हैं, उनमें सतना जिले का केमार, रीवा जिले का चौराहटी, रघुनाथपुर, उमरी, अगडाल हैं। लगातार किसानों के द्वारा किए जा रहे विरोध और उनकी समस्या को देखते हुए विराट 24 की टीम मौके पर पहुंची और लोगों का दर्द सुना। किसानों का दर्द सुनकर आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि अन्नदाता किस तरह से मजबूर हैं। सैकड़ों एकड़ का मालिक होते हुए भी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। क्या विकास पुरुषों द्वारा किसानों को मानसिक पीड़ा और वेदना देकर कोई न्याय किया जा रहा है? एक किसान फसल बेचकर बेटी की शादी करता है, गंभीर बीमारी का इलाज करवाता है, लेकिन वह ऐसा नहीं करवा पा रहा है क्योंकि उसकी जमीन ना तो बेची जा सकती है, ना नामांतरण की जा सकती है, ना बंधक बनाई जा सकती है। उक्त जमीनों पर 2016 से रोक लगाई गई है, जिसे हटाने की मांग की गई है। आइए आपको सुनाते हैं पीड़ित किसानों की पीड़ा और सुनाते हैं किसान नेता सुब्रत मणि को, जिनके द्वारा किसानों के हित के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। हवाई अड्डे के पास किसानों की जमीन पर रोक लगा दी गई है, जिसके कारण किसान परेशान है। इसी समस्या को जानने के लिए जब किसानों से बात की गई तो किसानों ने अपनी समस्या बताई कि बड़े मुश्किल से तो घरों का निर्माण कराया गया, लेकिन आज उन घर को अगर अधिग्रहण कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, तो बड़ी बड़ी समस्या से आज बात करते हैं कि किसानों को क्या कहना है और वाकई किस तरह की दिक्कतें हो रही है जो रोक लगाई गई है। क्या मामला है, किस तरह से जमीन में रोक लगा दी गई, क्या दिक्कतें हैं? मामला है हमारा, बैंक से हमने लोन लिए, क्रेडिट कार्ड में दिए हैं। आज हमारा बढ़ता 5 लाख का कर्ज जाके 9-10 लाख रुपया बना दिए, तो वो कर्जा हम कैसे भर पाएंगे, कहाँ से हमारी आएगी? हमारे लड़के बच्चे बेरोजगार बढ़े, किसी की नौकरी चाकरी कुछ नहीं है। तो अगर हवाई अड्डे में जमीन ली जाती तो हमारे बाल बच्चों को नौकरी कर्मचारी को बनावा जाती। रोक लगी है जमीन, ना आप बेच सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। इसी कारण से हमारा कर्जा बढ़ रहा, हमारे लड़के बच्चे परेशान हैं। इसे अभी क्या चाहते हैं आप लोग प्रशासन? हम लोग चाहते हैं कि उसमें रोक उसको खोला जाए, निश्चित हो जाए, दे दिया जाए जो देना, और नहीं देते हैं तो हमारा लोग खोल दिया जाए, नहीं देंगे जमीन। अभी आप लोगों की जमीन यहाँ पर फंसी हुई है, जमीन है, किस तरह से दिक्कतें हो रही हैं, क्या चाहते हैं आप? पहली तो बात है कि जमीन में जो रोक लगाई गई है, नामांतरण, बंटवारा, बिक्री, ये सब रोक हटाई जाए। इससे किसान, बहुत से किसानों का स्वर्गवास हो चुका केवल दवाई की वजह से, जो ये उदाहरण यहाँ पर हैं। दूसरी बात है कि हमारी जो हवाई पट्टी बनी हुई है और इधर उत्तर दिशा में NH-7 बना हुआ है, NH-7 से इसको रोक हटाया जाए, इधर विस्तार न किया जाए। दक्षिणी भाग काफ़ी पड़ा हुआ है किसानों की ज़मीन, वो देने को तैयार भी हैं। तीसरी बात है कि जो हमारा यहाँ का जो मुआवजा बने वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से बने, ना कि यहाँ के राज्य के हिसाब से बने, ताकि यहाँ से जो विस्थापित हों वो कहीं दूसरे जगह अपना घर बदले में कोई अच्छी जमीन, अच्छी जगह, हाँ, काम कर सकें, ज़मीन खरीद सकें। तो ये शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और किसानों की बात सुनना चाहिए। हम लोग अपना किसानों का जो हम लोग नेता बनाए हुए हैं श्री सुब्रत मणि त्रिपाठी जी को, तो उनको सारी बातें बताते रहते हैं, वो सालों साल से वो अपनी बात आवाज़ उठाते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है।
तो सहरसा जिले की बात करें तो किसानों के अलावा, कृषि के अलावा कोई रोजगार नहीं है। किसानों के लिए लड़की की शादी करना है, उपचार कराना है, बाहर भेजना, तो सिर्फ जमीन ही एक ऐसा साधन है कि हमारी जमीन, उस पर भी रोक लगा दी गई। आप निश्चित कर रहे हो, कितनी बड़ी ज्यादती आप मानते हैं, किस तरह से? बहुत बड़ी ज्यादती, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। और हम सब लोग सुब्रत मणि त्रिपाठी जी से बात उठाते हैं, उनसे पहुँचवाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक साल से वो लगातार अपनी बात को, हम लोगों की बात को शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं, लेकिन कोई उसके अन्नदाता है किसान, लोगों का पेट भर रहा है किसान, लेकिन खुद अपनी समस्या नहीं हल कर पा रहा। उसके पास ज़मीनें हैं, बेटी की शादी नहीं कर पा रहा, बच्चों को पढ़ाना चाहता है तो पढ़ा नहीं पा रहा। उसकी एक वजह है कि हवाई पट्टी के आसपास उसके आवास हैं, वो रह रहा है, उसकी ज़मीन पर रोक लगी हुई। इसी तरह की और कई समस्याएं हैं लोगों के पास, चाहे वो सड़क का हो, चाहे हवाई पट्टी के कारण हो। किस तरह से दिक्कतें हैं ये ज़मीन में रोक लगाने के कारण, क्या चाहते हैं यहाँ के लोग? अब जमीन, हवाई पट्टी जो स्थापित है वो रोड के दक्षिण साइड में स्थापित है। अब पूरे गांव में रोक लगा देना, चार पांच गांवों में रजिस्ट्री में रोक लगा दिया गया है, तो उसके कारण किसानों का अनेकों तरह से परेशानियां होती है। किसी को बच्चे की शादी करना है, किसी को बच्चों को स्कूल में लोन लेना है, तो वो सारे इस कारण वो जमीन न तो ले पा रहा, ना दे पा रहा है, नामांतरण नहीं हो पा रही, रजिस्ट्रियाँ नहीं हो पा रही है, नेचुरल उनके अपने काम रुकते हैं। इसलिए अपनी एरिया चिन्हित करने, उस एरिया में रोक लगाना जायज है, बका एरिया के बाहर तो हमारी समझ में नहीं आता कि पूरे पांच गांवों एक साथ रोक लगा देना, आम पब्लिक का काम निस्तार बंद हो जाए, आम जीवन माने प्रभावित हो जाए, आम जीवन रुक जाए। हमारी पूंजी को रोक लगा दिया गया इस तरह से, जैसे हमारी पूंजी ही है खेती जमीन, हमारी पूंजी उसी पर रोक लगा दिया गया। फिर आप हम इसको कहेंगे हम विकास करना चाहते हैं, आना जाना शुरू हो जाएगा, इसके लिए क्या? नहीं, विकास सतत प्रक्रिया है, होना भी चाहिए, पर आम पब्लिक, आम जनजीवन को प्रभावित करके विकास होना विकास की श्रेणी में नहीं आता है। इसलिए विकास तो हो, पर आम जनता का और हित भी ध्यान रखा जाए कि आम जनता उससे प्रभावित एक तरीके से हो। आप निश्चित कर दीजिए कितनी जमीन आपको, इतने एकड़ जमीन चाहिए, इतनी एकड़ है, केंद्र सरकार जो हमारा मुआवजा है वो हमको मुआवजा मिल जाए, अपनी एरिया चिन्हित। मुआवजा की जहाँ तक बात आई, ग्रेडिंग जो की गई है गवर्नमेंट की, एक ही ग्रेडिंग की गई है, कृषि योग्य असिंचित जमीन, जबकि हमारा गाँव अग्राल ग्राम, शहरी ग्राम, नगर निगम से जुड़ा हुआ ग्राम है, और यहाँ पर ग्रेडिंग जो की गई है असिंचित जमीन, अगर किसान बेचता है या खरीदता है, क्रेता विक्रेता, तो वो जमीन कोई भी किसी भी एरिया की जमीन अग्राल गांव में असिंचित नहीं की दी जाती, इसलिए कि सरकार को शुल्क अधिक मिले पंजीयन शुल्क के लिए, वो तो कर दिया कि सिंचित ज़मीन है, तो उसका भार आता है क्रेता के ऊपर। और जहाँ सरकार को शासन की देने की मंशा आ जाती है, वहाँ छोटी जमीन, पाँच पाँच डिसमिलों की जमीन लोगों की गई हुई है, पाँच डिसमिल जमीन वो जब रजिस्ट्री की जाती है, पंजीयन किया जाता है, तो उसका किया जाता है बर्फीट के आवासीय मान के किया जाता है, और जबकि जनता से जो लिया जा रहा है वो असिंचित करके दे दिया जाता है। तो किसान खेती करता है, बीज लेने जाता है, तो उसको महंगे दाम पर मिलता है। जब किसान की फसल होकर तैयार हो जाती है, तो वही किसान सस्ते रेट में बेचने के लिए मजबूर होता है। किसान के पास जमीन है, जब जमीन आप हमको देते हो तो महंगा लगा रहे हो, टैक्स लगा रहे हो, लेकिन जब मेरी जमीन ले रहे हो तो कौड़ियों के भाव ले रहे हो। किसान के ही साथ क्यों आखिर ऐसा हो रहा है? अब किसान इसलिए कि सबसे अधिक कमजोर श्रेणी में किसान को रख दिया गया है, किसान को पेट किसान भर रहा, अन्नदाता किसान है, किसान को अपनी लड़ाई सामने आके जब तक वो लड़ेगा नहीं, इकट्ठे हो गए अपने, तब तक शासन के ऊपर कोई भी असर होने वाला नहीं है। उस दिन हम लोग उपस्थित रहेंगे। किसानों की सड़क रिंग रोड के रूप में ले ली गई, उसमें किसानों की जमीन चली गई, बाईपास में किसानों की जमीन ले गई, उसमें चली गई, हवाई पट्टी के रूप में रोक लगी है, शहर की जो जमीन है, करोड़ों की जमीन है, वो सब जमीनें देकर व्यापार किया जा रहा है। किस तरह से रोजगार की बात नहीं करता कोई नेता विधायक, रोजगार की बात नहीं करता, सिर्फ जमीन रोको, जमीन पर रोक लगा दो, बेचो भाई इसको, क्योंकि उसको जो ये लगा हुआ है तो इसको खोला जाए, क्योंकि हम लोग भी कुछ आगे कर सके, जितना हम लोगों की जमीन अतिक्रमण में जा रहा है, तो उसके वजह से हम कहीं जमीन खरीदेंगे, है ना, तो इसको जो है तो जल्द से जल्द इसका करवाया जाए। जब सुब्रत भैया हमारे कहेंगे, जिस दिन कहेंगे उस दिन हम लोग हवाई पट्टी के पास उपस्थित रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या के साथ हम लोग उपस्थित रहेंगे। यानी किसान अब विरोध पर उतरेगा, विरोध करेगा, निश्चित तौर पर किसानों को विरोध करना भी पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से ज़मीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है, किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा, उसके पीछे कुछ योजना बनाई, किस तरह की योजना है आगे आप लोगों की? हम लोग संघर्ष करेंगे और अपनी ज़मीन को मुक्त कराएंगे, जो इन्होंने प्रतिबंध लगाया है, और हवाई पट्टी से उत्तरी भाग में ज़मीन नहीं इनको लेने देंगे, दक्षिणी भाग है, पश्चिमी भाग है, ये विस्तार कर सकते हैं, और उचित मुआवजा इसका दें, क्योंकि ये 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर से ऊपर भी हवाई अड्डा का निर्माण होना चाहिए, पर चूंकि ये बना हुआ है, विस्तार ये करें, विकास करें, लेकिन उचित मुआवजा दें हम लोगों को, और ये प्रतिबंध हटा लें, ताकि जो पीड़ित हमारे किसान हैं उनको राहत पहुँचे। विकास होना चाहिए, किसानों का किसी भी प्रकार से इसमें विरोध नहीं है कि विकास ना हो, विकास हो, लेकिन हमारी ज़मीन का उचित मुआवजा मिले और रोक हटाई जाए।
जो रोक लगी गई है जल्द से जल्द, कारण क्या है कि इसके पीछे की ना तो रोजगार के साधन है, कोई रोजगार करना है, किसी को बेटी की शादी करना है, 2-3 साल से कोरोना लगा हुआ है, 7 साल हो गए रोक लगे, जिसके कारण से किसान अपना कोई विकास नहीं कर पा रहे। निश्चित तौर पर किसान को विरोध करना पड़ेगा, जिसके बाद ही पुलिस प्रशासन, यहाँ के शासन और सरकार की नींद खुलेगी। अब देखने वाली बात यह होगी किस तरह से विरोध होगा और कितना यहाँ के जनप्रतिनिधियों पर इसका असर जाएगा। रीवा जिले में हवाई पट्टी का निर्माण हुआ, हवाई पट्टी के विकास के लिए किसानों की ज़मीनों को सुरक्षित किया गया और रोक लगा दी गई कि किसान इस ज़मीन को ना तो बेच सकता है ना नामांतरण कर सकता है, जिसके पीछे शुरू हो गई किसानों की समस्या। रीवा ज़िले में किसानों को किसानी के अलावा एक ही साधन है कि वह अपनी ज़मीनों को बेचकर अपने बेटी बेटों की शादी करे, बीमार हो जाए तो उसका उपचार कराए। लेकिन प्रशासन सरकार के द्वारा रोक लगाने के चलते एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। रोक 2016 से लगी हुई है, जिसके चलते यहाँ के आसपास के किसान ना तो अपनी ज़मीन को बेच पा रहे हैं, ना ही किसी प्रकार से उसमें कारोबार कर सकते हैं। इस समस्या को लेकर हमारे साथ किसान नेता सुब्रत मणि त्रिपाठी जी हैं, जिन्होंने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी जुटाई तो पता चला कि कितने गाँव इस तरह से प्रभावित हैं। हमने कुछ लोगों से बात की तो किसानों ने भी अपना दर्द बताया है। पूरी समस्या को लेकर आइए बात करते हैं किसान सुब्रत मणि जी से कि किस तरह से समस्या है और क्या चाहते हैं यहाँ के लोग। आप देख रहे हैं ये चुरहटी हवाई पट्टी बनी थी, यहाँ पे हवाई पट्टी के रूप में विकसित हुई थी, अब इसे हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की योजना है। 2016 में जुलाई माह में हमारे यहाँ के माननीय कलेक्टर साहब ने, मुख्यमंत्री जी आए थे विंध्य महोत्सव में, तो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मांग की होगी तो हमारे यहाँ कलेक्टर साहब ने रोक लगा दी। इसमें आप देख सकते हैं कि 2000 मीटर लंबाई और 800 मीटर चौड़ाई में जिन किसानों की ज़मीनें हैं उन जमीनों को किसान ना तो किसी को नामांतरण कर सकता, ना किसी को बेच सकता। सोचिए, अपने बच्चों के नाम भी वो नाम नहीं करा सकते। चुरहटा, चुरहटी, अगडाल, पतेरी और केमार, सतना जिले का एक केमार गांव है, वहाँ के किसान वहाँ के इतने प्रभावित हैं इस योजना के कारण। अब आप सोच सकते हैं कि 2016 से इसमें रोक लगा दी गई, आज 2022 है, तो हमारा आपके चैनल के माध्यम से, माननीय मध्य प्रदेश सरकार से, माननीय जिला प्रशासन से ये हम मांग करते हैं कि आपको आखिर कितनी ज़मीन चाहिए। अगर जितनी ज़मीन आपको चाहिए, हवाई अड्डे का विस्तार आपको करना है, उतनी ज़मीन छोड़ के बाकी में रोक हटा दीजिए। कई किसानों से हमने बात की, किसानों ने हमें शिकायतें की, उनके घर में बीमार हैं, बीमार हुए बेचारे, वो इलाज के लिए आखिर कहाँ जाएं? जीवन निर्वाह का संसाधन उनके पास कृषि है, खेती है, और अगर मान लीजिए उन्हें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है तो हर किसान, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है कि हर किसान अपनी ज़मीन के विक्रय करके ही अपने लोगों की दवाई करा सकता है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि रीवा ज़िले की बात करें तो किसानों के जो आय का स्रोत है सिर्फ कृषि है। एक तो आप रिंग रोड बनाने में कृषि की ज़मीन ले लिए, बाईपास बनाने में कृषि का ज़मीन ले लिए, हवाई पट्टी में रोक दिए, ठीक है हवाई पट्टी से विकास होगा, हवाई पट्टी से हवाई अड्डा बन जाएगा, लेकिन किसानों के साथ ही मुख्य जो अत्याचार माने या कुछ भी कहे तो वो किसानों के साथ, इसके पीछे क्या है? हम ये आपने बहुत सही सवाल पूछा। आप देख रहे हैं आज हमारे हिंदुस्तान में कहते हैं इतना विकास हो गया, आज़ादी का हम स्वर्णिम अवसर मनाने जा रहे हैं, खाट में लेके लोग बाग अपने लोगों अपने पे, एक अभी घटना घटी देखे हैं सर्प दंश के कारण, वो बेचारा खाट में लेके, पोस्टमार्टम के लिए एम्बुलेंस नहीं आई, वो खाट में लाद के और अपने से खुद लेके चल दिया मरीज के पोस्टमार्टम के लिए। हमारे गाँव अभी तक रास्ते से नहीं जुड़े हुए हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से, हमने कई बार जिला प्रशासन से मांग की है, आपने रेलवे में भूमि का अधिग्रहण किया, आपने फ्लाई माने आप लगातार भूमि अधिग्रहण रेलवे के लिए, इधर अब आउटर रिंग रोड के लिए, फिर आपने कह दिया NH 39 का छूटा हुआ भाग और फिर से बना रहे हैं बेला सिलपरा रोड, उसके बाद एरोड्रम के लिए 2016 से 2022 तक आपने ज़मीनों में रोक लगा दी। ये कहाँ का न्याय है? माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि कहते हैं कि हम एरोड्रम के विस्तार के लिए इतनी ज़मीन चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा कर देते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं, पहले लोगों को, गाँव के लोगों को शहर की रोडों से जोड़ दीजिए, वो अपने गाँव से शहर की पक्की रोड तक तो आ जाएँ, उसके बाद हवाई विस्तार करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हवाई जहाज किसानों के लिए है? कुल मिलाकर जमीन के नाम का सौदा व्यापार किया जा रहा, कारोबार चल रहा है, जो हमारी पैतृक जमीनें थी, पूर्वजों की जो जमीनें थे उस पर व्यापार चल रहा है। जमीन बेचकर समदड़िया बिल्डर, किसी भी बिल्डर को दे दो, दूसरा बिल्डिंग बना देता, उसको हम विकास कहते हैं। किसानों की ज़मीन से रिंग रोड बना दो, उसको हम विकास कहते हैं। एरोप्लेन के लिए आप हवाई अड्डा बना दो, लेकिन किसानों की ज़मीन लेकर बना दो, तो कुल मिलाकर अपना कारोबार, अपना व्यापार चल रहा है, किसानों का शोषण हो रहा है। इसके लिए आपका संगठन क्या करना चाहे?
हम अपने संगठन के माध्यम से भी हमने कई बार आवाज़ें यहाँ पे उठाई हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आज देख रहे हैं ना, लगातार आओ आवाज़ उठाते रहिए, उपेक्षा के सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से अपने किसान भाइयों से भी मांग करते हैं कि घर में बैठ के आप तकलीफें बतलाते रहेंगे उससे काम चलने वाला नहीं है, संगठित होकर इसका मुकाबला करना पड़ेगा। तो हमारे साथ थे किसान सुब्रत मणि त्रिपाठी जी, जिन्होंने बताया किस तरह से विकास हो रहा है। विकास जरूर हो रहा है, विकास के पक्षधर हैं, लेकिन विकास ऐसा हो रहा है कि जो आम पब्लिक है वो परेशान हो, किसान परेशान हो, जो अन्नदाता है वो परेशान हो रहा है। कभी रिंग रोड के नाम पर, कभी बाईपास के नाम पर, कभी हवाई अड्डे के नाम पर किसानों का शोषण किया जा रहा है। इसके लिए किसान नेता शीघ्र आंदोलन की चेतावनी दी है। किसानों का आंदोलन कई बार सरकारें हिला दिया है, कई बार सीख दे चुका है, और हो सकता है आने वाले समय में किसान उग्र रूप धारण करें और इस विकास के रूप में जो दिखाया जा रहा है कि हम विकास कर रहे हैं लेकिन अपना विकास कर रहे हैं, ये महंगा पड़ सकता है। विराट 24 के लिए रामानंद पांडे। देखा आपने किस तरह से हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विस्तार करने के लिए लगाई गई रोक से किसान प्रताड़ित हैं। विकास का कोई विरोधी नहीं है, लेकिन विकास जनता के हित में हो तो मंजूर है, लेकिन निहित स्वार्थ के लिए किसानों का शोषण गलत है। देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।